हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त डीके गुप्ता। मैं आप सभी का एक्सेल लीडर की इस नई वीडियो सीरीज में स्वागत करता हूं। इस वीडियो सीरीज का नाम है एक्सेल फार्मूलाज। इस सीरीज के हर वीडियो में हम किसी पर्टिकुलर फार्मूला के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे उसका नाम, उस फार्मूले का ग्रुप कौन सा है और एमएस ऑफिस के किस वर्जन से ये अवेलेबल है, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका यूज, उसका सिंटेक्स क्या होता है, उसको यूज करने के लिए कितने और क्या क्या आर्गुमेंट्स की जरूरत होती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स के द्वारा उस फार्मूला को यूज करना और उस फार्मूला को, उसकी फंक्शनलिटी और यूटिलिटी को अच्छे से समझना। दोस्तों, हमारा फॉर्मूला ऑफ द डे है राउंड अप। राउंड अप तो अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। राउंड अप के लिए हमारा नेम ऑफ द फॉर्मूला है राउंड अप। मैथ्स ग्रुप का पार्ट है। एमएस ऑफिस के ये सभी वर्जन्स में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन या यूज की बात करें, इट राउंड से नंबर अपसाइड अवे फ्रॉम जीरो। राउंड से नंबर अपसाइड अवे फ्रॉम जीरो, ठीक है। सिंटेक्स ऑफ फॉर्मूला है इक्वल टू राउंड अप, और दो कंपलसरी आर्गुमेंट है नंबर और नंबर डिजिट्स। नंबर और नंबर डिजिट, नंबर मींस जिस नंबर को हमें राउंड अप करना है, और नंबर डिजिट्स मींस कितनी डिजिट तक हम लोगों को रिफ्लेक्ट कराना है, ये उस चीज को कहां पर राउंड ऑफ करना है, ठीक है। और डिस्कस करते हैं इक्वल टू राउंड अप। ठीक है, राउंड अप, राउंड से नंबर अप अवे फ्रॉम जीरो। नंबर इज द एनी रियल नंबर दैट यू वांट टू राउंड इट अप, ठीक है। और सेकंड आर्गुमेंट क्या है, दोनों ही कंपलसरी आर्गुमेंट है, इज द नंबर ऑफ द डिजिट्स टू विच यू वांट टू राउंड। और नेगेटिव का मतलब यह है कि उस पॉइंट से वो जीरो उस तरीके से दिखाना शुरू कर देगा, अगर हम नेगेटिव की तरफ यूज करेंगे तो। जीरो और ओमिटेड कर देते हैं तो वो नियरेस्ट टू इंटीजर शो करेगा, ठीक है। कुछ प्रैक्टिस एग्जाम्पल के थ्रू इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्रैक्टिकली काम किस तरीके से करता है। इक्वल टू नंबर अप, राउंड अप। सपोज ये मैं डायरेक्ट इनपुट मेथड के थ्रू लिख रहा हूं 11555555, ठीक है। और सेकंड आर्गुमेंट, क्योंकि कंपलसरी आर्गुमेंट है तो इसलिए हम लोगों को, अगर मैं जीरो लिखता हूं तो देखिए क्या आएगा। तो ये इस तरीके से इसने अपसाइड में राउंड कर दिया, मींस 0.5 से ज्यादा है तो ये लास्ट वाली डिजिट को इन्हें 6 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसको लिख देता हूं जीरो की जगह 2, तो देखिए क्या इफेक्ट आएगा। तो जो डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक ये रिफ्लेक्ट करेगा, और ये सेकंड पॉइंट को, डेसिमल वाले को, उसको राउंड ऑफ कर दिया। अगर मैं सपोज इसे 3 कर देता हूं तो देखिए दो डिजिट सेम रहेंगी और जो थर्ड वाली डिजिट है उसको राउंड ऑफ किया इसने। तो इस तरीके से हम इसका इंपैक्ट को चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं सेल रेफरेंस मेथड के थ्रू इक्वल टू राउंड अप। क्योंकि यहां पर मैंने जीरो लिखा हुआ है राउंडेड ऑफ के लिए, तो इसने जीरो के हिसाब से हम लोगों की डिजिट को राउंड ऑफ कर दिया। अगर मैं यहां पर 1 लिखूंगा तो क्या इंपैक्ट है, 2 लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी 99.99 है, तो ये इस तरीके से कोई मेजर चेंज हमें नजर नहीं आ रहा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में इसी चीज को देखते हैं कि अगर डिजिट हमारी इस तरीके से होगी, यहां पर हम लोगों ने देखिए 1 डिजिट है तो क्या इफेक्ट आ रहा है, 0.5। 2 डिजिट है तो भी 0.5। 3 डिजिट है क्योंकि 0.5 होते ही अपने आप ऑटोमेटिकली हो गया, बट अगर मैं इन डिजिट्स को -1 कर दें तो क्या इफेक्ट आएगा, -1। -1 होते ही इसने इन डिजिट को राउंड ऑफ कर दिया अप टू 10,000, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में और क्लियर करते हैं हम लोग कि देखिए 2 डिजिट जब मैंने बोला तो इसने सेकंड वाली डिजिट को आफ्टर डेसिमल उसको राउंड ऑफ किया है और आगे की डिजिट्स को इग्नोर कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसको बाय चांस 3 कर दें तो थर्ड वाली डिजिट को, और अगर इसे 4 कर दें तो ये हम लोगों को एज इट इज रिफ्लेक्ट कर देगा। अब इन डिजिट्स को हम माइनस में कन्वर्ट करके देखते हैं। -0 पहली डिजिट किस तरीके से काम कर रही है, तो ये इसने इस तरीके से हमें डिजिट को रिफ्लेक्ट कर दिया।
अगर इसको माइनस वन करेंगे तो इट मीन्स इसने इसको 3340 कर दिया, ठीक है, लास्ट डिजिट को जीरो कर रहा है। अगर ये माइनस टू कर दें तो क्या इंपैक्ट आ रहा है, तो इसने इसको 3400 इस तरीके से राउंड ऑफ कर रहा है अपसाइड में। माइनस थ्री कर रहे हैं तो ये इस तरीके से राउंड ऑफ कर रहा है, 4000 डिजिट में हो गया। और अगर हम इसको बाय चांस फोर कर देंगे तो इट मीन्स ये डेसिमल्स जितनी जीरो इतनी रिफ्लेक्ट करेगा। हम इसको लेमन लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम माइनस वन लिख रहे हैं तो जो भी हमारी डिजिट है उसमें से एक डिजिट जो लास्ट वाली है उसको जीरो रिफ्लेक्ट करेगा। अगर टू करेंगे तो लास्ट वाली टू डिजिट्स को जीरो करेगा और राउंड ऑफ अपसाइड में करेगा। अगर तीन करेंगे, थ्री कर देते हैं हम लोग, तो लास्ट की थ्री डिजिट्स जीरो होंगी ये डिजिट में और उसको अपसाइड में राउंड ऑफ कर रहा है, तो 3000 के बाद जो अपसाइड में राउंड ऑफ हुआ वो 4000 में कन्वर्ट हो गया। अगर हम लोग यहाँ फोर कर रहे हैं तो फोर डिजिट्स जीरो होंगी और उसने इस तरीके से राउंड ऑफ कर दिया। तो हम लोगों को यहाँ पर यह चीज समझने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट में वन डिजिट पर, तो देखिए इसने किस तरीके से इस डिजिट को राउंड ऑफ किया है। अगर इसको टू करते हैं तो किस तरीके से राउंड ऑफ कर रहा है, थर्ड करते हैं तो किस तरीके से राउंड ऑफ कर रहा है। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है कि डिजिट्स का इम्पैक्ट किस तरीके से और हमें क्या रिक्वायरमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, ठीक है। माइनस वन माइनस टू हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, माइनस टू अगर हम लोग करते हैं तो किस तरीके से लास्ट की टू डिजिट जीरो में कन्वर्ट हो जाएंगी और क्योंकि राउंड अप है तो ये अपसाइड में राउंड ऑफ कर रहा है, ठीक है। यहां पर माइनस थ्री करें अगर सपोज, तो देखिए किस तरीके से लास्ट की थ्री डिजिट जीरो और अपसाइड है तो 5000 में कन्वर्ट हो गया। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है कि राउंड अप किस तरीके से किस सेंस में यूज होना है। तो ये था हमारा फॉर्मूला ऑफ द डे, राउंड अप, राउंड अप। आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।